अलवर का कालाकंद देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बनाए हुए है, लेकिन अब बायोडायवर्सिटी पार्क अलवर की पहचान बनेगा। करीब 3,50,00,000 की लागत से बना ये पार्क इन दिनों पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है, जबकि अभी तक ये पूरी तरह से बनकर तैयार भी नहीं हुआ है। यूं तो अलवर में किसी तरीके की ऐतिहासिक स्थलों की कोई कमी नहीं है, अनेकों ऐतिहासिक स्थल हैं, लेकिन अब ये एक और नाम जुड़ गया है जिसमें कहा जा सकता है अलवर का ये प्रताप वन है, जहां नगर विकास न्यास द्वारा बायोडायवर्सिटी पार्क के रूप में इसे विकसित किया है। यहां पर अनेकों औषधि के पौधे भी लगाए जाएंगे, यहाँ ट्रैक बनाया गया है जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के रूप में यहाँ लोग पहुँचते हैं, और इस तरीके से अनेकों आकर्षक चीजें यहाँ लगाई गई हैं। आर्टिफिशियल यहाँ फाउंटेन लगाए गए हैं जो लोग यहाँ नज़ारा देखते हैं। ऐसा ऐतिहासिक स्थल बनने जा रहा है अलवर के लिए, पूरे राजस्थान में यह एक अपने आप में यादगार स्थान बनने वाला है। बाला किला के नीचे वन विभाग की चौकी के पास मौजूद प्रताप बंद पर नगर विकास न्यास ने इस पार्क का निर्माण करवाया है। न्याय सचिव के मुताबिक पार्क का सिविल पार्ट पूरा हो चुका है, लेकिन प्लांटेशन एडवेंचर में ऑब्स्टिकल्स, हाई रोप्स, जिपलाइन, मेडिसिन प्लांट समेत शूटिंग के काम होने बाकी हैं। ये हमारे न्यास का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जो लगभग 4.5 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट है। इसमें न्यास और फॉरेस्ट दोनों की जॉइंट एमओयू से काम किया जा रहा है, जिसमें सारी फंडिंग भी न्यास द्वारा की जा रही है। इसका सिविल पार्ट है वो लगभग कंप्लीट हो गया है, अभी मानसून शुरू होते हैं प्लांटेशन वाला पार्ट इसमें कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद एडवेंचर का जो पार्ट बचा हुआ है जिसमें जीप लेन और कुछ हाई रोप हम ले रहे हैं, वो भी पार्ट जो हमारा सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। अलवर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में अपनी अलग पहचान बनाने को बेताब पार्क में आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ आपको घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क, बैठने के लिए छतरीनुमा सीटें और पहाड़ों पर कृत्रिम फव्वारे लोगों को अभी से अपनी ओर खींच रहे हैं। आलम यह है कि जो भी यहाँ आता है वो दिल खोलकर इस पार्क के शान के कसीदे गढ़ता है। बहुत अच्छा है घूमने के लिए, घूमने के पर्पज से काफी अच्छा बना है अलवर में, मतलब ऑल ओवर राजस्थान में देखा जाए तो काफी अच्छा प्लेस है, और एक कहते हैं ना शांत एरिया में है, और फैमिली पर्पज से आओ, फ्रेंड्स के साथ आओ, पूरे एरिया में पहाड़ी पहाड़ है, ग्रीनरी बहुत अच्छी है। यह बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये मतलब अरावली के चारों पहाड़ियों के बीच में है और सबसे अच्छी जगह सिचुएटेड है ये। यहाँ पे मतलब मिनी टेम्पल वगैरह सब चीजें हैं और यहाँ पे मिनी ट्री हाउस भी है, मतलब फैमिली के टुगेदरनेस के लिए बहुत ही अच्छी जगह है ये। चारों तरफ से हरियाली और पर्वतमालाओं से घिरा होना ही इस पार्क की USP है, जो इसे आने वाले दिनों में न सिर्फ इस पार्क को बल्कि अलवर शहर को भी एक नई पहचान देगा। जुगल किशोर गांधी, जी मीडिया, अलवर।